आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मुख्यमंत्री शब्द हटाया भड़के महाराष्ट्र के मंत्री ने अजीत पवार पर लगाया लाड़की बहन योजना हाईजैक करने का आरोप। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। मुख्य विवाद एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच हो रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच लाड़की बहन योजना को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बारामती से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में विज्ञापनों से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम हटा दिया गया है। लाड़की जाने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। शिवसेना ने सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP और उसके अध्यक्ष अजीत पवार की आलोचना की है। राज्य के आबकारी मंत्री एवं मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता शंभूराज देसाई ने इस मामले में मीडिया से बात की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना को हाईजैक करने का आरोप लगाया। शंभूराज देसाई ने अजीत पवार पर अपनी नाराजगी जाहिर की। लाड़की बहन योजना के तहत राज्य में पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मायूती के पक्ष में बड़ा दांव माना जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने कहा कि अजीत पवार के जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान योजना के पूरे नाम का इस्तेमाल नहीं करना प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है। देसाई ने आरोप लगाया कि योजना के नाम मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना है, जबकि अजीत पवार ने इसमें से मुख्यमंत्री शब्द हटा दिया है। उन्होंने कहा कि योजना के नाम से इसे हटाना अनुचित है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आबकारी मंत्री ने कहा कि ये राज्य सरकार की योजना है और उन्हें हर किसी को साथ लेकर चलना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार ने पिछले महीने जन सम्मान यात्रा नाम से अपनी पार्टी का जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया था। महाराष्ट्र में नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। पवार राज्य के वित्त मंत्री भी हैं। पवार का कार्यक्रम लाड़की बहन और अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता के लाभ पर केंद्रित था। अभियान के दौरान इस्तेमाल किए गए विज्ञापन एवं अन्य प्रचार सामग्री में NCP ने योजना के नाम का जिक्र मांझी लाड़की बहन के रूप में किया। अजीत पवार खेमे ने 2 वीडियो भी जारी किए हैं और इसमें भी योजना के लिए लाभार्थियों को अजीत पवार का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू लाड़की बहन योजना पड़ोसी मध्य प्रदेश में शुरू लाडली बहना योजना से प्रेरित है। पिछले महीने लाड़की बहन योजना की शुरुआत हुई थी। रैलियों के दौरान मुख्यमंत्री शिंदे ने वादा किया था कि अगर महायुति फिर से सत्ता में आती है तो वे योजना की राशि बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे। वहीं इस मामले में विवाद शुरू हुआ तो विपक्ष को मौका मिल गया। अजीत पवार की बहन और शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि महायुति सहयोगियों के बीच लाड़की बहन योजना का श्रेय लेने को लेकर टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने सरकार की असली मंशा को उजागर कर दिया है। बारामती के सांसद ने कहा कि लाड़की बहन योजना महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि स्वार्थी राजनीतिक हितों के लिए लाई गई है। सुप्रिया सुले ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेहनती और स्वाभिमानी महिलाओं को ये महसूस कराकर गुमराह किया जा रहा है। मंत्री श्रेय लेने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये भाई बहन के रिश्ते का अपमान है। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।